गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो अभी बज रहे 11:35 और मैं जस्ट अभी उठा हूँ क्योंकि कल जो मेरा ड्रेसिंग किया था पाओ का, तो कल रात को बहुत जल रहा था, तो इसके लिए मैं रात को सो नहीं पाया बराबर। मेरे बहन को बोला कि 9 बजे चाबी देके आ जा वर्कर को, वो दुकान खोल लेगा, थोड़ा सोता हुआ और अभी नींद नहीं आ रही, अभी भी अंदर से जल रहा है। देखता हूँ थोड़ा फ्रेश फ्रेश होके जाता हूँ शॉप पे। मैं तो सोचा था आज पूरा दिन भर ऐसा आराम करूँ, बट क्या अभी पूरा दिन भर नींद भी नहीं आती है ना, इसके लिए आराम भी नहीं कर सकता। अभी टाइम हो रहा है 1:22 और मैंने आज का वीडियो भी अपलोड कर दिया है। अभी जस्ट मतलब दुकान पे आने के बाद वीडियो अपलोड करने पे रखा, तो उसमें मतलब आधा घंटा बता रहा था, तो अभी मतलब ये वीडियो भी अपलोड हो चुकी है। बस आज का वीडियो अपलोड हो गया, मतलब अभी कल जो वीडियो अपलोड करना है वो वीडियो मुझे एडिट भी करना है। तो अभी मतलब 1:22 हो गए, तो मैं मतलब घर पे जाऊंगा, खाना वाना खा के फिर से आऊंगा यहाँ पर, फिर मैं एडिट करने बैठूंगा। मतलब अभी ये पार्ट 9 हो गया, अभी पार्ट 10 मेरे को एडिट करना है। पार्ट 10 एडिट करके बाद में तो मतलब जो नॉर्मल ब्लॉग्स है मेरे डेली ब्लॉग वो एडिट भी करना है, तो बाकी तो कुछ नहीं। आज मेरे को इतनी सुस्ती लग रही है ना, पता नहीं क्यों, मालूम पड़ा कि आज संडे, मैं तो भूल भी गया था संडे, क्योंकि 11:30 तो उठा था मैं। अभी टाइम हो रहा है 5:30, मैं 3 बजे सोया था, क्योंकि आधा 1 घंटे के लिए सोता हूँ, बट जो डॉक्टर ने मुझे दवाई दी है वो दवाई का पावर इतना है कि मैं थोड़ा सोया सोती रह गया, चाय शाय पीते फिर एडिटिंग करने बैठते, अभी भी नींद आ रही है मेरे को। अभी टाइम हो रहा 8 और मतलब मैं उठने के बाद चाय वाय पीने गया उधर नागौरी में, उसके बाद आने के बाद मैं बैठ गया एडिटिंग करने के लिए, क्योंकि मेरे पास कल वीडियो अपलोड करने के लिए वीडियो नहीं था। अभी जस्ट वीडियो एडिट खत्म करके मैं ब्लॉग स्टार्ट किया हूँ और टाइम देख सकते हो आप 8:00। वही अभी ये मतलब एक वीडियो एडिट करने के लिए मेरे को लग रहा है कम से कम 1.5 से 2 घंटा और बाद में रेंडर होने के लिए 2 घंटा, मतलब एक वीडियो के पीछे मेरा 4 घंटा ऐसे ही वेस्ट हो रहा है यार। मेरे को रैम बढ़ाना पड़ेगा या फिर कुछ पीसी का लैपटॉप के कुछ करना पड़ेगा। अभी कितना बता रहा, 2:41 और मैंने भी कल आज जो वीडियो अपलोड किया था वो कल मैंने एडिट किया था और वो कल 8:30 डाला था और 2:25 बताया था, तो कितना 10:30 तक मैं इधर ही बैठा था, 10:30 तक हो गया यहाँ पर रेंडर खत्म करके, और अभी 2:41 बता रहा है, तो मतलब 10:41 जो कि 9:30-10 के बीच में ये रेंडर हो जाएगा। अभी टाइम हो रहा है 9:32 और कितना टाइम बता रहा भाई, 35 और बता रहा है अभी। और क्या, बस बैठा हूँ दुकान पे और टाइम पास कर रहा हूँ। और यहाँ पर एक भाई आए थे यहाँ से, मतलब ये पोनी भाई, पोनी भाई से मिले, पोनी भाई के ये दोस्त थे, तो बस यहाँ पर बैठा हूँ। और एक बंदा आया था जो कि आके मतलब यहाँ पर आके बोला मुझे कि भाई मैं मुंबई से, मतलब मुंबई में पहली बार आया हूँ, बैग वैग चोरी हो गया है ये सब, तो मतलब हमने भी वो पिक्चर देखी है ट्रैफिक। अरे कुछ नहीं लाओ, कोई नहीं चलेगा, ये पोनी भाई हमारी मदद कर रहे कि व्लॉग करने में। मैंने भी ट्रैफिक मतलब ट्रैफिक सिग्नल जो पिक्चर है वो भी पिक्चर देखी है, तो मैंने बोला भाई मेरे से बात मत कर, उधर पोनी भाई बैठे उससे बात कर, तो उन्होंने बोला चल ठीक है 5-10 रुपए ले और तू खुश रहे और निकल ले और मेहनत कर बाकी। तो बस यहाँ पर 32 और बता रहा है, 32 के बाद अपन दुकान बंद करके निकल जाएंगे घर पे। इसके पहले मेरे 47 सब्सक्राइबर थे और ये मेरे 48 सब्सक्राइबर और ये मेरे 49 सब्सक्राइबर, तो मतलब यहाँ पर बैठे बैठे मैंने 2 सब्सक्राइबर बढ़ा लिए अपने, और मतलब देख रहे हो यहाँ पर बैठे बैठे बना सकता हूँ जितने भी आएंगे बाहर, तो मतलब समझ रहे हो। अभी सिर्फ 7 सेकेंड बस, ये रेंडर भी हो चुका है ख़त्म, अब हम निकलते घर पे और टाइम क्या 10:05, मैं बोला ना 10:30 के बीच में हो ही जाएगा। अभी टाइम हो रहा है 9:05, तो बेसिकली मैं अभी जस्ट नहा के बाहर निकला, तो मेरी बहन को मैंने बोल दिया कि जाके दे दिया, जाके दे दे चाबी वर्कर को, वो जाके दुकान खोल के साफ सफाई कर देगा, तो तब तक मैं चाय वाय पी के आता हूँ। तो यहाँ पर क्या गैस पे चाय रखी थी मेरी, वही गर्म करना, आज का दिन है ना मेरे को क्या करना है मालूम है, पूरा दिन एडिटिंग करना है, ना किधर जाना है ना किधर आना है, पूरा टाइम एडिटिंग करना है, क्योंकि अभी जाना हुआ मतलब मेरे पास वीडियोस तो है, मतलब फुटेज है मेरे पास एडिट करने के लिए, मगर कैसे वो मैं हर दिन ब्लॉग किया है ना, तो हर बीच बीच में कुछ काम आ जाता तो मैं करता नहीं था ब्लॉग, ऐसा मतलब समझिए ना। अभी अपन चाय भी दे और यहाँ रोटी भी गर्म करनी है, करता हूँ आपसे बात कर। कल रात को मैं शॉप से स्टिक लेना भूल नहीं गया, मतलब मैंने बोला कि चल आज विदाउट स्टिक चले जाते, और मैं 2 बार पाँव नीचे रखा ना, तो भाई साहब लिटरली मेरी इतनी फटी ना, मतलब नीचे से इतना फट रहा था ना, तो मैंने बाद में पाँव ऊपर पाँव नीचे नहीं किया और ऐसे ही चल रहा हूँ एडी पे।
मेरे को कम से कम 6-7 दिन हो गए मैं एडी पे ही चल रहा हूँ इसे। मैं फटाफट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा मोबाइल भी 1% है और यहाँ पर लाइट भी चली चुकी है और मेरे को एडिट करने बैठना था और अपलोड भी करने बैठना था, तो लाइट तो है ही नहीं, तो अभी लाइट आएगी तो मैं वीडियो अपलोड कर पाऊंगा। बाकी तो यार इधर ऐसे ही बैठा हूँ, इतना दिमाग खराब हो गया ना, अभी मैं अपलोड करने के लिए बैठा था बट लाइट चली गई। अभी कैसा मेरे लैपटॉप का बैटरी का थोड़ा इशू है ना, इसके लिए मैं जब चार्ज पे लगाऊंगा तो ही अपलोड पे कर पाऊंगा। जब अपलोड पे करूंगा फिर अचानक बंद हो जाएगा लैपटॉप, तो बाद में जो अपलोड का टाइम रहेगा समझो वो सब टाइम वेस्ट हो जाएगा। और मैं यहाँ पर ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, फ़ोन बंद करता हूँ क्योंकि मेरा 1% ही बैटरी है और चार्जिंग भी नहीं है। मैंने सोचा कि अभी चार्जिंग पे लगा के हॉटस्पॉट ऑन करके अपलोड कर देता हूँ, बट अभी समझ रहे हो क्या, लाइट भी नहीं आ रही यार। तो मैं एडिट ही कर रहा था और अभी टाइम हो रहा है 4:15 और ये आया है मिस्टर फोटोग्राफर कृष्णा, जो कि हम लोग कभी मिल रहे हैं डायरेक्ट वही ब्लॉग के बाद अभी मिल रहा है ना। हाँ, कौन सा वेडिंग था? और इसकी शक्ल देखो कैसा हो गया अभी क्या। अरे मतलब अभी रात भर काम कर रहे भाई, पैसा कमा रहे, तो मतलब ऐसी शक्ल हो जाती है। देखो पैसे वाली शक्ल ऐसी होती है और गरीब लोगों का ऑफिस ऐसा होता है। अच्छा ये रुक एक मिनट, में किधर चाबी है, तू मेरे को छोड़ रहा है क्या? स्लीपर नहीं पहनने का? स्लीपर क्यों नहीं पहनने का? हाँ शूज क्या, मेरा सैंडल तो देख, पहले सैंडल तो देख, नया फैशन है। कटर नहीं चाकू, अबे मोबाइल भूल गया। अच्छा मोबाइल हाथ में ही है, मोबाइल भूल गया बोलो। अभी हम लोग निकल रहे हैं सोनापुर के लिए क्योंकि एक ऑर्डर आया था तो हमारे पास मटेरियल नहीं था, तो हम वहाँ से लेके आ रहे हैं मटेरियल। कृष्णा के साथ सोनापुर तो गया था, बाद में वो दुकान पे जाने के बाद मेरे को मालूम पड़ा कि मेरा ऑर्डर कंप्लीट ही नहीं हुआ, तो वो बोले कि 5:45 तक मतलब टेम्पो लेके आ जा और तेरा ऑर्डर भी मतलब हो जाएगा तब तक। मैंने टेम्पो वाले को भी बोल दिया कि 15-20 मिनट में निकलना है, तो भाई तू रेडी रहना। और बाकी तो कुछ नहीं, बस वहाँ से आकर मैं यहाँ पर फिर से बैठ गया एडिटिंग के लिए। तो अभी मतलब 10 मिनट का यहाँ तक बना है ब्लॉग। तो अभी मतलब कैसा मालूम है क्या, मैंने लाइक शेयर सब्सक्राइब तो मैंने किया ही नहीं, मतलब डेली ब्लॉग में यही होता है कि मुझे पता नहीं अगला दिन क्या होने वाला है, तो इसके लिए मैंने वो टाइम पे लास्ट में लाइक शेयर सब्सक्राइब या फिर कुछ एंडिंग मैंने बोला ही नहीं, तो डायरेक्ट मैंने बोला कि मैंने सोचा कि ज़्यादा मतलब कम ब्लॉग बनता रहेगा वो 2 दिन में, इसके लिए मैंने ऐसा ट्रांजिशन किया, तो वैसे ट्रांजिशन के लिए टाइम ही नहीं बचा, तो क्योंकि 10 मिनट लग रहे हैं अभी कुछ नहीं, अभी 5:28 हो रहे हैं, बस 10-15 मिनट में मैं भी निकलता हूँ और कर देता हूँ यार जो काम पेंडिंग पड़ा है वो काम मतलब कंप्लीट करते हैं। ये काम भी पेंडिंग है, ये काम मतलब रात तक तो हो ही जाएगा। एडिटिंग कर रहा था और हमसे मिलने आए मिस्टर बीबी। और मिस्टर बीबी क्या हाल है, 1 तारीख के बाद आज आए मिलने मेरे को। आपने ये जो कांड कर लिया है वो तो कांड मतलब अपने लापरवाही की वजह से हुआ है, बाकी कुछ नहीं। तो अभी मतलब ये भी सिर्फ किधर जा रहे हो? अभी जा रहा हूँ ये साइड जा रहा, मेरे को ये साइड जाने का। अच्छा तो चल जाते हैं सब। अभी क्या मतलब हो गया, फोन आ गया मेरे को कि हाँ माल रेडी है, तो अपन क्या जाके आ जाए पर। मैंने एक टेम्पो वाले को बोला था कि आधे घंटे में आ जा, अभी वो बोलता है कि ट्रैफिक में अटका पड़ा हूँ। वो मेरे को बोला कि माल भर दिया है और आधे घंटे में आ रहा हूँ, बट अभी मैंने फोन किया भाई आ जा, तो बोलता है कि मैं अभी माल भरना स्टार्ट किया हूँ। मैं बोला भाई तो नहीं आ रहे तो सीधा बोल देना दूसरा टेम्पो वाला पकड़ लेता हूँ, खाली पकड़ बीच में मतलब ये लोग इतना परेशान करते ना यार टेम्पो वाले लोग सच्ची। अभी मेरे को ये टेम्पो वाला मिला है मगर इसमें 50 रुपये ज़्यादा ले रहा है, तो मैं बोला चल ठीक है ले ले, क्योंकि वहाँ पर है ना 6 बजे वर्कर लोग चले जाते हैं। यहाँ पर माल भी खाली कर दिया पूरा और अभी हमसे मिलने के लिए मिस्टर एस जी और मिस्टर पी वी आए, जो कि हम लोग पहले गुफ्तगू करते। अभी वो मिस्टर एस जी और मिस्टर पी वी आए थे, वो मिलके चले गए हमसे और उन्होंने मेरे लिए लाया क्या माल, किस माल चीजी फ्लेवर, बट ये हम खा नहीं सकते तो ये एक मतलब मैं इसको वर्कर को दे दूंगा और बाकी तो जो रहेगा मैं घर पे लेके जाऊंगा। और बाकी तो कुछ नहीं, मैंने जो एडिट किया था सुबह से ये व्लॉग को एडिट करने के लिए मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लगा क्योंकि इसमें बहुत मतलब तो 1.5 घंटे का फुटेज था समझ रहे हो, 1.5 घंटे का, तो काट फूट के मेरे को एक पार्ट दो पार्ट बनाना है, 10 मिनट का एक बन गया और 20 मिनट का एक बन गया, तो आप ही सोचो कि 1.5 घंटे का। और कुछ नहीं यार, अभी रेंडर पे भी रखा हूँ और रेंडर के लिए बता रहा है 29 मिनट 30 मिनट तक बता रहा है, और अभी मैं ये व्लॉग बंद करता हूँ क्योंकि बाहर से बहुत आवाज़ आ रही है और कारण कि वो लाइट मेरे आँखों पर जा रही है,
तो मतलब मैं व्लॉग करता हूँ ना तो ये लाइट अभी मैं व्लॉग कर रहा हूँ ये देख के, क्योंकि ना सामने देखता रहता हूँ भले मैं 10-15 सेकंड देखूँ ना, और व्लॉग बंद करने के बाद मोबाइल में देखता हूँ ना मतलब थोड़ा धुंधला धुंधला दिखता है, तो इसके लिए अभी मैं व्लॉग बंद करता हूँ। बाकी आपको ये व्लॉग खत्म हो जाएगा मतलब रेंडर होने के लिए मतलब वही 30 मिनट बाकी है। और एक और सदस्य अभी आने वाले जो कि है मिस्टर SB मतलब मिस्टर सुदीप, जो पहले वाले व्लॉग में आपने देखा रहेगा, तो वही अभी आने वाले हैं। तो अभी ये भाई साहब क्या कर रहा है, अभी रात के बज रहे 11, मिस्टर DV हमको छोड़ रहे घर तक रिक्शे में, तो बस वही एडिट कर रहा था और ये आ गया मिलने के लिए। तो वही रेंडर रखा एक दूसरा वीडियो के लिए, मतलब पहला वीडियो रेंडर हो चुका था और दूसरा वीडियो में थोड़ा एडिट बाकी है, वो मैं घर पे जाके सोच रहा हूँ करूँ अभी। इधर भूस बम बूम क्या तुम क्या हो गया था मेरे को मालूम है, भूस बम आ गया। और उधर फर्स्ट रेसिंग में तो उसने मतलब ये किया ही नहीं था ना पाओ का, निकल जाना है तुमने किया था तो मेरे को बहुत पेन हुआ, वापस जाना है। हाँ कल रेसिंग है मेरा फिर से।